झूठ भर रहा है, चाहे वो JNU के FIR हो या UP के FIR तो है ही नहीं। और जो है, जिस आदमी लड़के को, आदमी को मुंह पे गोली लगती है उसको कहते हैं पत्थर लगा। कोई पत्थर मुंह पे लगता है तो मर जाता है, ऐसा तो कोई नहीं देखा कभी किसी ने। मुझे लगता है यूपी में जो हम देख रहे हैं, आप में से कईयों ने बोला होगा, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं इस दौरान यूपी नहीं गई हूँ, मगर यूपी में कई बार केस करने भी जाती हूँ। 2013 से हम मुजफ्फरनगर के केस अभी तक कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वकीलों की जो टाइमलाइन होती है वो कुछ अलग हो जाती है। देश में एक कांड के बाद दूसरा कांड हो जाता है, हम लोग उससे पहले वाले को ही पहली कोर्ट में अभी तक खींच रहा होता है, और ना मीडिया, ना कई बार हमारी भी नज़र उन बातों से हट जाती है। मेरी कॉलीग रत्ना यहाँ हमारे साथ है, वो हर महीने वहाँ मुजफ्फरनगर की अदालत में जो गैंगरेप मुसलमान औरतों के साथ सितंबर 2013 में हुआ था, आज भी वो उस केस को करने जाती हैं क्योंकि वो ट्रायल की स्टेज पे है। बहुत हंगामा होता है इस देश में, डिले हो गया, डिले हो गया। ऐसे केसेस जहाँ पे एक अटैक हुआ है प्री मेडिटेटेड मुसलमान समुदाय या किसी और माइनॉरिटी पे, मीडिया भी इस डिले को कभी हाईलाइट नहीं करेगा, ना इसकी बात करेगा, ना उसमें बलात्कार का इशू वाजिद रहता है। ये सब इश्यूज मीडिया के लिए सिर्फ अलग लोगों के लिए हैं। यूपी जो आज हम देख रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा कंपैरिजन दे रही हूँ क्योंकि वो 2013 है। आज का यूपी, आज की अदालतें और तब का, थोड़ा सा उसमें हम एक समझ बना पाएंगे। 2013 में भी FIR नहीं लग रहे थे, हमने उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि गैंगरेप के FIR हो और प्रोटेक्शन दी, कॉम्पनसेशन पहली बार औरतों को FIR दर्ज होने पर मिला, और बहुत सी और सुझाव कोर्ट ने दिए और ऑर्डर्स दिए। बहुत मुश्किल से वो केस चालू हुआ। आज की तारीख में FIR आप नहीं करवा पाएंगे। आज की तारीख में अदालत में कहाँ है कैपेसिटी लोगों में जाने की। बहुत बार बोला जाता है ये कानून है, आप जाइए, जो विक्टिम है जिसके लिए स्टेट खड़ा है। मैं हमेशा कई सालों से ये बात कह रही हूँ कि हमारे देश में जो कानून है, खासकर क्रिमिनल लॉ है, उसकी बुनियाद क्या है कि स्टेट आपको रिप्रेजेंट करेगा। उसकी बुनियाद ये है कि स्टेट क्राइम नहीं करता, क्राइम कोई इंडिविजुअल्स करते हैं, आपस में हम लोग लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का बुरा करते हैं, मगर स्टेट क्राइम नहीं करता है, तो स्टेट तो एक न्यूट्रल पार्टी है। आज का दौर कई सालों से ही, और कई सरकारों में हमने ये देखा है, अब वो बिल्कुल पूरी तरह से कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है कि स्टेट कंप्लिसिट है। और जब स्टेट कंप्लिसिट है तो आपकी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो प्रणाली है उसकी फाउंडेशन खत्म हो गई है। कौन उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन उसको आगे लेके जाएगा, कहाँ से आपके पास हिम्मत होगी कि आप जाके बयान देंगे। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे हम उम्मीद कैसे लगाएं, जब जो उसकी फाउंडेशन है उसमें ही दरार पड़ गई है। वो कहाँ है वो जस्टिस सिस्टम जो स्टेट की कंप्लिसिटी को समझता है और देखता है। इसलिए आज ये दोहाई देना लोगों को कि आप लीगल सिस्टम में जाइए, आप FIR कीजिए, आप ट्रायल आपकी होगी। मुजफ्फरनगर के उदाहरण आपके सामने है, हाशिमपुरा भी जो यूपी का ही एक बहुत बड़ा पुलिस द्वारा कम्युनल कस्टोडियल किलिंग कांड था, 2018 अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने 1987 के केस में कन्विक्शन मिला, जब केस बाहर आ गया। ये एक चुनौती है, मैं आपको और हताश करने के लिए ये नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम अगर सिस्टम की खामियाँ और सिस्टम की कहाँ पर वो जो पर्पेट्रेटर्स हैं और वो अलग अलग लिबास में आते हैं, कोई पुलिस में है, कोई अथॉरिटी में है, वो सब जब इकट्ठे हो गए हैं तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे लेंगे। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत चर्चा रही है इस देश में, आजकल वो चर्चा भी वैसे खत्म हो चुकी है, वो पुलिस रिफॉर्म के नाम से बोली जाती थी, मैं तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी बोलती हूँ क्योंकि पुलिस को रिफॉर्म करना, पता नहीं किस में इतना दम है कि वो पुलिस को रिफॉर्म करके दिखा देगा।
पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, एनकाउंटर हुए यूपी में, अभी बाहर जाते हुए मुझे एनएचआरसी में जो पहले पराशर जी थे वो मिले। आप में से कईयों ने एनएचआरसी में जब जाते थे, मिस्टर पराशर हम लोगों के एक वहाँ पर जो वो पोजीशन होल्ड करते थे, एक साथी थे और हमारे कंप्लेंट्स को सुनते थे, उनको आगे रखते थे। मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा क्या एनएचआरसी ने स्लीपिंग पिल ली है, कब उठेगा एनएचआरसी? एनकाउंटर के केसेस उनके सामने रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए। जो हालात आज दिख रहे हैं उसकी एक पृष्ठभूमि है और हम लोगों को भी आदत डाली गई कि भाई ये कुछ अमाउंट ऑफ स्टेट लॉलेसनेस एंड स्टेट टेरर के साथ ही देश चलाया जाएगा और वो एक गवर्नेंस का एक हिस्सा है। और जब तक हम इन सब बातों को नहीं उठाएंगे, और मुझे मालूम है कि आज यूपी के जो साथी हैं वो जिस दमन के साथ के और डर में और भय में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए वो बात को बाहर से उठाने की जिम्मेदारी आज हम पर है। हम लोगों को दिल्ली में हो या मिलकर अगर लखनऊ के साथियों को लगे और उनसे बातचीत हमें करनी होगी, कहीं ना कहीं इस डर को उठाना होगा। और मेरा मानना है कि चाहे अदालतें उसको माने या ना माने, हमें उन बातों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग जानते हैं कि 1984 में जब PUDR PUCL ने एक बुकलेट निकाली थी हु आर द गिल्टी, उस समय कोई उसकी अहमियत इतनी नहीं समझी थी हमने। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, और आज की तारीख में उसको कोई डाउट नहीं करता है कि हाँ ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने जो नाम लिए, जो आला मंत्रियों के नाम लिए, लीडरों के नाम लिए, वो सही थे। कई बार हमें लगता है क्या करना है एक और फैक्ट फाइंडिंग, क्या करना है एक और डॉक्यूमेंटेशन, जब स्टेट आर्काइव में झूठ भर रहा है, चाहे वो JNU के FIR हो या UP के FIR तो है ही नहीं, और जो है जिस आदमी को मुंह पे गोली लगती है उसको कहते हैं पत्थर लगा, कोई पत्थर मुंह पे लगता है तो मर जाता है, ऐसा तो कोई नहीं देखा कभी किसी ने। तो वो जो इरेजर्स हो रहे हैं, आपका आज पूरा लीगल आर्काइव, और वो लिंचिंग केसेस में यूपी में देखिए, मैं हापुड़ का लिंचिंग केस आज भी कर रही हूँ, उसमें क्या किया उन्होंने, पहले झूठी अफवाह पे कासिम को मार दिया और समय दीन को इतना पीटा कि मर जाए, पर वो बच गया। और उन्होंने FIR क्या लिखा, मोटरसाइकिल का रोड रेज। ये पूरा लीगल आर्काइव जो है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, वो उसमें एक इरेजर चल रहा है। आपको उस इरेजर को काउंटर करना होगा अपने डॉक्यूमेंटेशन से। वो किस सूरत में अदालत में जाएगा, वो कब अदालत में जाएगा, वो हम देखेंगे। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता और वक्त पलटेगा, और आप लोग ही पलटेंगे वक्त को। मगर वो जब वक्त पलटेगा तब आपका काम तैयार होना चाहिए, और वो काम मेहनत का है, वो काम चुपचाप करके जो परिवारों ने लोग खोए हैं, जेल गए हैं, इस तरह की वहां पर ज्यादतियां हुई हैं कि रू कांप जाए उनको सुनकर, उनको लिखना, उनको प्रेजेंट करना, वो हमारी जिम्मेदारी है बाहर से। मैं यही कहूंगी कि हम लोगों को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज रूप से ये डॉक्यूमेंटेशन करना है। इस डॉक्यूमेंटेशन को हमें एक पब्लिक प्लेस में रखना है कि ये सत्य है आज के यूपी का। उनको रखने दीजिए अपने वर्जन्स, वो अपना इरेज करेंगे, हम उसको उसका सच रखेंगे। कब वो सच किस हालात में सामने आ पाएगा, और अगर लीगल सिस्टम उस सच को नहीं जानता तो लोग उस सच को जानते हैं, और लोगों का जानना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वो एक फॉर्म ऑफ एविडेंस गैदरिंग है। वो एविडेंस कब आप कहाँ पर पेश करेंगे, ये शायद इस समय इतने बुरे हाल में सोचना और समझना या उसकी आशा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पर मुझे लगता है वो एविडेंस गैदरिंग का काम आज बहुत अहम है। और उसमें केवल ये नहीं डॉक्यूमेंट करना कि किसके साथ क्या हुआ, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नज़र एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स किस पर डालें,
कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी सरकार में, किसकी जिम्मेदारी थी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी, किसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर मॉब इस तरह का काम नहीं करे। उनके नाम उन्होंने जो गैरकानूनी हरकतें की, इस देश में बहुत जरूरी है कि जो भी स्टेट अथॉरिटी में, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, जिस जिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उसकी डिटेल लिखनी जरूरी है। देश के लोगों को उनके ऊपर उंगली उठानी होगी। मैं इतनी बात कहकर रखूंगी और जो भी मुझसे बन पाएगा इस पूरे दौर में मैं उसमें सहयोग दूंगी।